हे गाइज, मेरा नाम देवबिंद और आप सभी लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल टेक देव में स्वागत है। तो दोस्तों, यह है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का ट्यूटोरियल नंबर 21। अगर आपने अभी तक ट्यूटोरियल नंबर 20 नहीं देखा है तो आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं, या तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक के ऊपर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों, यह है व्यू मेनू का पार्ट 5, जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कलर एंड ग्रे स्केल और साइड बार ऑप्शन के बारे में। ओके, तो चलिए आज का ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने अपना लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस सॉफ्टवेयर चालू कर लिया है। अगर आपने अभी तक इसको चालू नहीं किए तो आप अपने स्टार्ट मेनू पे क्लिक करिए, और स्टार्ट मेनू पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे सर्च करना है इम्प्रेस। और इम्प्रेस सर्च करने के बाद आपको अपने कीबोर्ड से इंटर का बटन प्रेस कर देना है। इसको प्रेस करते ही आपका लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का सॉफ्टवेयर चालू हो जाएगा, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, अगर आपके सिस्टम में लिब्रे ऑफिस का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं है तो आप इस वीडियो के नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक के ऊपर क्लिक करके आप इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हैं और इजीली इंस्टॉल भी कर सकते हैं। इंस्टॉलेशन का मैंने एक वीडियो भी बनाया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां पे क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। ओके, तो चलिए आज का ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आप यहां पे देख सकते हैं, मैंने अपना सॉफ्टवेयर चालू कर लिया है। अगर आपने इसको चालू नहीं किया है तो आप इसको कर लीजिए, और इस सॉफ्टवेयर को चालू करने के बाद आपको जाना है आपके अपने स्लाइड मेनू में। और स्लाइड मेनू में जाने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा प्रॉपर्टीज का, तो आप एक बार यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। इसके ऊपर क्लिक करते ही आपका एक पेज सेटअप का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, जिसके अंदर आपको यहाँ पे 3 टैब मिलेंगे। पहला मिलेगा आपको पेज का, इसके बाद आपको मिलेगा बैकग्राउंड का, और आपको मिलेगा यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी का ऑप्शन। तो आप यहाँ पे बैकग्राउंड के ऊपर क्लिक कर दीजिए। इस पे क्लिक करने से आपको यहाँ पे बैकग्राउंड के कुछ ऑप्शन मिलेंगे, जैसे कि कलर, ग्रेडियंट, बिट मैप, पैटर्न और हैच का। तो आप यहाँ पे किसी के ऊपर भी क्लिक करके आप इसमें कुछ भी लगा सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे ग्रेडियंट के ऊपर क्लिक कर दिया, और इसके ऊपर क्लिक करते ही आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरा ग्रेडियंट कलर आ गया। इसके बाद आपको यहाँ पे किसी भी एक ग्रेडियंट कलर के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। तो मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, और इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे इसका कलर भी मिलेगा। तो आप यहाँ पे क्लिक करके आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। टॉप में आपको यहाँ पे मिलेगा इसका बॉर्डर, तो आप इसको भी चेंज कर सकते हैं, और इसका एंगल भी आप यहां से चेंज कर सकते हैं। ओके, तो ये सब सेटिंग करने के बाद आपको यहां पे ओके बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करते ही ये आपका ग्रेडियंट कलर आपके स्लाइड के अंदर फिलअप हो जाएगा, जो आप यहां पे देख सकते हैं। ओके, इसको यहां पे फिलअप करने के बाद आपको जाना है आपके अपने व्यू मेनू में। इसके बाद आपको जाना है कलर एंड ग्रे स्केल ऑप्शन में, और यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट होता है कलर, तो आप यहाँ पे ग्रे स्केल ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर दीजिए। इसके ऊपर क्लिक करते ही आपके स्लाइड के अंदर का पूरा कलर रिमूव हो जाएगा, और जो आपका स्लाइड है ये ग्रे स्केल में कन्वर्ट हो जाएगा, जो ब्लैक और वाइट को मिलकर बनता है। ओके, इसके बाद आपको फिर से जाना है आपके अपने व्यू मेनू में। इसके बाद आपको जाना है कलर एंड ग्रे स्केल ऑप्शन में, और आपको यहाँ पे अगला ऑप्शन मिलेगा ब्लैक एंड वाइट का। तो अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका जो पेज है ये ब्लैक एंड वाइट दिखेगा। ओके, तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये ऑटोमेटिक प्योर ब्लैक एंड वाइट दिख रहा है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, आप यहां पे देख सकते हैं इसके अंदर यहां पे जो टाइप है क्लिक टू ऐड टेक्स्ट, ये भी यहां पे ब्लैक हो गया है। अगर आप इसको कलर में करेंगे तो जो आपका ये टेक्स्ट है ये ऑटोमेटिक वाइट कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब ये होता है कि
कि जो आपका स्लाइड है वो कलर में कन्वर्ट हो गया है। तो चलिए मैं इसको कलर में कन्वर्ट करता हूँ। इसके लिए आपको जाना है आपके अपने व्यू मेनू में, इसके बाद आपको जाना है कलर एंड ग्रे स्केल ऑप्शन में, और आपको यहाँ पे कलर ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करते ही आप यहाँ पे देख सकते हैं जो मेरा प्लेस होल्डर है ये ऑटोमेटिक यहाँ पे वाइट कलर में कन्वर्ट हो गया। इसका मतलब ये है कि जो हमारा स्लाइड है ये कलर में कन्वर्ट हो गया है। ओके, तो ये था हमारा कलर एंड ग्रे स्केल ऑप्शन, जिससे आप अपने स्लाइड को कलर और ग्रे स्केल में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपको फिर से जाना है आपके अपने व्यू मेनू में, इसके बाद आपको यहाँ पे अगला ऑप्शन मिलेगा साइड बार का, जिसका शॉर्टकट की आपको मिलेगा कंट्रोल प्लस F5 बटन। तो आप एक बार यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। इसके ऊपर क्लिक करते ही आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे स्लाइड के जस्ट राइट साइड में एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है, जिसका नाम है साइड बार। इसके अंदर आपको यहाँ पे 7 ऑप्शन मिलेंगे, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके अंदर आपको यहाँ पे प्रॉपर्टीज, स्लाइड ट्रांजिशन, एनिमेशन, मास्टर स्लाइड, इसके बाद स्टाइल, गैलरी और नेविगेटर का ऑप्शन मिलेगा, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आप इसको बंद करना चाहते हैं तो आप व्यू मेनू में जाकर दोबारा उस ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर दीजिए, आपका ये साइड बार बंद हो जाएगा। या तो आप यहाँ पे 3 डॉट के ऊपर क्लिक करिए और डायरेक्टली आप यहाँ पे क्लोज साइड बार ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर दीजिए। इसके ऊपर क्लिक करते ही आपका ये साइड बार बंद हो जाएगा। ओके, तो चलिए मैं इसका शॉर्टकट की प्रेस करके आपको दिखाता हूँ। जो आपका साइड बार ऑप्शन है इसका शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस F5 बटन। तो चलिए मैं अपने कीबोर्ड से कंट्रोल F5 बटन प्रेस करता हूँ। इसको प्रेस करते ही आप यहाँ पे देख सकते हैं राइट साइड में यहाँ पे मेरा साइड बार ओपन हो गया। इसके बाद मैंने फिर से इसको बंद किया और फिर से मैंने प्रेस किया कंट्रोल प्लस F5 बटन, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये ऑटोमेटिक फिर से ओपन हो गया। अगर आप चाहें तो इसको डायरेक्टली अपने शॉर्टकट की से भी बंद और चालू कर सकते हैं। अगर मैं फिर से इसको प्रेस करूँगा तो ये बंद हो जाएगा, और फिर से मैं प्रेस करूँगा तो ये वापस भी आ जाएगा, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, तो ये था हमारा साइड बार ऑप्शन, जो हमारे स्लाइड के राइट साइड में दिखाई देता है। ओके, तो ये थे व्यू मेनू के कुछ ऑप्शन, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को इस वीडियो में बताया। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में दिए गए बेल को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।